ईडी ने एनसीपी विधायक रोहित पवार की फैक्ट्री जब्त कर ली। इसके बाद रोहित पवार ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। रोहित पवार ने कहा, पार्टी चुराने के बाद मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, मैंने उनके साथ सहयोग किया है, हमने उन्हें 22 फरवरी को सारी जानकारी दे दी थी। रोहित पवार ने कहा, विधानसभा में भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप चुप रहना चाहिए, हालांकि हम इस मामले में डरने वाले नहीं। दोषी करार दिए गए लोगों में 70% बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार दादा के हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब मेरे पास एक मामला है और मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। ईडी ने एनसीपी विधायक रोहित पवार की फैक्ट्री जब्त कर ली। इसके बाद रोहित पवार ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। रोहित पवार ने कहा, पार्टी चुराने के बाद मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, मैंने उनके साथ सहयोग किया है, हमने उन्हें 22 फरवरी को सारी जानकारी दे दी थी। रोहित पवार ने कहा, विधानसभा में भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप चुप रहना चाहिए, हालांकि हम इस मामले में डरने वाले नहीं। दोषी करार दिए गए लोगों में 70% बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार दादा के हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब मेरे पास एक मामला है और मैं लड़ूंगा और जीतूंगा।